नमस्कार जी, मैं झांसी से मंजू। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? आप सोच रहे होंगे आज भी मैं एलोवेरा प्लांट के बारे में पता नहीं क्या बताने ही जा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं आज प्रूनिंग के बारे में बात करूँगी, क्योंकि ये हमारा जो प्लांट है, ये देखिए इतना बड़ा हो गया है ये, तो अब हमें इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है ये तो आप जानते होंगे। तो अगर कई भाई बहनों को जानकारी नहीं है तो वो हो सकते हैं कि इसके बीच से कटिंग कर दें, जैसे ये बहुत बड़ी लंबी लीफ है। तो ये अगर एक लोग इसका इस्तेमाल करता है तो उसके लिए ये काफ़ी दिन चलेगी। तो हो सकता है कि आप इसको थोड़ा आधा काट दें, ऐसे काट दें। तो दोस्तों, आधा काटना वो गलत तरीका होगा। तो इसको काटना कैसे है? तो एक बात मैं ये कहूँगी कि इसको हमें प्रूनिंग भी करनी है, तो हमें प्रूनिंग करके इसकी पत्तियों को फेंक नहीं देना है, तो हमें इस्तेमाल लाना है। और हर रोज़ या दूसरे या तीसरे दिन के बाद इसकी पत्तियों को काटना है। वैसे तो हम एक ही बारी काट सकते हैं, पर वो हमारी वेस्टेज हो जाएगी। और अगर हम आधी काटते हैं यहाँ से, अगर हमें मान लो कि हमें आधी पत्ती चाहिए, तो आधी काटने से जो उसका रस है तो वो बहता रहेगा, निकल जाएगा, और पत्ती हमारी थोड़ी ड्राई हो जाएगी। तो जैसे कि हम इसका पल्प भी इस्तेमाल करते हैं, और फेस पे लगाने के भी काम आती है। पल्प को हम मिक्सी में पीस के और पानी में मिक्स करके इसका जूस बना के भी पीते हैं। तो दोस्तों, जैसे ये नीचे आप देख रहे हैं, ये नीचे पत्ती देख रहे हैं, ये छोटी ऐसे पत्ती है छोटी। तो ये मेरे 2 दिन के लिए काफ़ी है। इसका मैं जैसे 2 दिन में पल्प भी खा लूँगी, और इसको फेस पे भी लगा सकते हैं। तो और दूसरी बात ये है कि इसके साथ तो ये छोटे छोटे और भी ये प्लांट आ रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये आ रहे हैं छोटे छोटे से, ये आ रहे हैं, ये छोटे छोटे से और आ रहे हैं। अगर हम प्रूनिंग नहीं करेंगे तो फिर इनको बढ़ने की जगह कैसे मिलेगी? तो वो भी ज़रूरी है। और फिर कुछ टाइम के बाद जैसे नीचे की पत्तियाँ ड्राई होना भी शुरू होती हैं, जैसे नीचे की सूखेगी फिर ऊपर ऊपर की नई निकलती रहेंगी। तो हमें पत्ती को बेकार नहीं जाने देना है, हमें इस्तेमाल कैसे करना है उसका। तो दोस्तों, ये हम एक पत्ती ले लेंगे, ये इसका हम चुनाव करते हैं। ये मुझे लग रहा है कि मेरे लिए ये 2-3 दिन के लिए सफिशिएंट रहेगी। तो अगर किन्हीं भाई बहनों के घर में जैसे 4 या 5 मेंबर हैं इसको यूज़ करने वाले, तो वो अगर ये छोटी छोटी पत्तियां हैं, एक से उनका कुछ नहीं बनेगा एक दिन में, तो वो 2 पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नीचे से ये सबसे पहले काटें, और फिर इसके बराबर और नीचे आ रही है ये एक पत्ती ये आ रही है, ये देख रहे हैं, ये तो इसको नीचे से काट लें। तो फिर इस प्लांट को, जो ये दूसरे प्लांट्स भी छोटे छोटे आ रहे हैं, उनको बढ़ने की भी जगह मिल जाएगी, और आपके एलोवेरा का सही इस्तेमाल भी हो जाएगा। तो दोस्तों, काटने के लिए मुझे एक ये तेज मैंने छुरी ली हुई है, तेज चाकू ले लें आप, तो इसकी मदद से आपको ये कैसे काटना है। पहले मैं ये ड्राई कोई पत्ती निकाल दूं। तो यहाँ से ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये जो हमारे छोटे छोटे प्लांट हैं, इनको कोई नुकसान ना पहुँचे, और पत्ती को कुछ इस तरह से, ये इस तरह से, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये पत्ती को इस तरह से आप ये काट लें। और दोस्तों, अगर ये जैसे 2-3 दिन आपको चलानी है, तो ये फ्रिज में आप जितना इस्तेमाल करना चाहें कर लें, और बाकी आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये 2-3 दिन आराम से
चलेगी। ये देखिए जी, ऐसे इस तरह से मैंने ये चाकू से काट ली, तेज चाकू से काट ली, तो ये हो गया जैसे ये। तो आज मैंने जैसे ये काट लिया, ये पत्ती काट ली, और फिर ये दो तीन दिन मेरी चलेगी। उसके बाद फिर मैं जो सबसे नीचे वाली होगी उसको काटूंगी। तो इस तरह से हम ऐसे काटते जाएंगे राउंड राउंड में। जैसे ये काट ली, फिर इसके बराबर की साथ में चारों तरफ से वो काट ली, फिर उसके बाद इसका नंबर आएगा सेकंड वाली पत्ती का, ये फिर ये, और ये अपने आप ही ऊपर ये बढ़ता जाएगा, ये ऐसे प्लांट ऊपर ऐसे, और इसकी शेप कुछ इस तरह से आती रहेगी। तो दोस्तों ये रहा मेरा आपको बताने का प्रूनिंग का तरीका कि इसकी प्रूनिंग कैसे करनी है। तो चाहे इसमें 10 दिन लगें, 20 दिन लगें, आप 4 दिन एक पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो फिर दूसरी पत्ती के लिए आप 5वें दिन इसको काटिए, और काटिए आप उसी अंदाज़ से, और उसी पत्ती का चुनाव करिए नीचे से। आप ऐसा नहीं कि ये ऊपर से ऐसे काट दी, ये यहीं से आप काट दी, तो आपके पौधे की शेप भी ख़राब हो जाएगी। और फिर अगर आपने ऊपर से ये काटना शुरू कर दी और कुछ टाइम के बाद, तो जो नीचे वाली पत्तियाँ होती हैं तो वो धीरे धीरे सूखती हैं, तो नई नई ऊपर आती जाती हैं। तो दोस्तों आप उन्हें सूखने का टाइम ही ना दें, तो नीचे से काट के आप उनका इस्तेमाल करते रहें और ऊपर ऊपर आपकी नई पत्तियाँ आती रहेंगी। तो मैं होप करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हुआ है तो प्लीज़ ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।